तो बाप दादा के आज के व्यक्त महावाक्य हैं। मुरली की डेट है 21 दिसंबर 78। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुगुन। तो मुरली का हेडिंग है, हर कल्प की अति समीप आत्माओं का रूप रेखा और वेला। तो बाबा लास्ट पार्ट में बता रहे थे कि जो हर कल्प की अति समीप आत्माएं हैं, वह पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं, उनकी रूपरेखा और वेला क्या होती है। तो बाबा ने कहा, वह जानते हो? तो फिर बाबा ने कहा, जो ऐसी आत्माएं सेकंड में पहुंची हैं और बाप की बनी है। तो बाबा ने कहा, सेकंड में पहुंची और बाप की बनी। तो कल्प पहले के भाग्य की टचिंग के आधार पर जन्मते ही ऐसे अनुभव करेंगे। ब्राह्मण बनना है नहीं, लेकिन ब्राह्मण थे, पहले भी थे, अब भी हैं, और फिर सेकंड में अपनापन अनुभव होगा। तो ऐसा अनुभव करेंगे बाबा कहते, जो अति समीप आत्माएं हैं। तो ऐसी वेला वालों की रूपरेखा बाबा कहते क्या होती है। पहले नंबर की वेला जो अब सुनाई, उनका रूप क्या होगा? तो जन्मते ही सिर्फ एक रूप शांति व शक्ति, सुख का नहीं, लेकिन जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। फिर बाबा कहते, बाप समान समीप आत्माएं व नंबर वन वेला आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभव होंगे उनको। तो ऐसे अनुभव करते हैं कि यही निजी स्वरूप है। तो फिर बाबा कहते, जन्मते ही नेचुरल निश्चय बुद्धि की रेखा, वृद्धि की रेखा होगी, बुद्धि की रेखा होगी, कैसे वह ऐसे के विस्तार में नहीं जाएंगे, है ही इसमें ऐसे और वैसे का प्रश्न नहीं उठता। तो ऐसे पूरे जीवन के अटूट निश्चय की रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देगी। तो निश्चय की रेखा की लाइन अखंड होगी, बीच बीच में खंडित नहीं होगी। तो बाबा कहते, उनका जो निश्चय है वो अखंड होगा, कभी खंडित नहीं होगा। तो ऐसी रेखा वालों के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा, तो वो विजयी आत्मा होगी। तो आज का इस मुरली का थर्ड पार्ट है, फाइनल पार्ट है इसका। तो ऐसी रेखा वाले जैसे ब्राह्मणों का भविष्य श्री कृष्ण रूप में जन्म से ही ताजधारी दिखाया है, ऐसे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजदारी होंगे। तो जैसे ही बाबा कहते बाप के बने, तो जन्मते ही क्या होगा, सेवा की जिम्मेवारी के ताजदारी होंगे। और सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। तो ये निशानी है अति समीप आत्माओं की। तो बाबा कहते, तो जन्मते ही जिम्मेवारी ताजदारी होंगे और फिर ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। और सदा याद और खुशी के झूले में झूलते जीवन बिताएंगे। तो सदा हर कर्म में वरदान का हाथ अपने ऊपर अनुभव करेंगे, हर दिनचर्या में अपने साथ सर्व संबंधों से समीप और साकार रूप में साथ का अनुभव करेंगे। बाबा कहते, हर दिन में, हर दिनचर्या में अपने साथ सर्व संबंधों का बाबा के साथ समीप का अनुभव करेंगे और साकार रूप में साथ का अनुभव करेंगे, और स्वतः योगी और सहज योगी होंगे। ये है नंबर वन रूप रेखा और वेला वालों की निशानी।
अब अपने को चेक करो, पहले नंबर की रूपरेखा और वेला में कितने होंगे? तो बाबा कहते स्वयं को चेक करो, तो पहले नंबर की रूपरेखा और वेला वाले कितने होंगे? 8वां 108। आप सब कहाँ हो? तो बाबा कहते कहाँ हो, 8 में हो, 108 में हो, 16,000 में हो, ऐसे खुद को चेक कर सकते हो, अभी भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि लास्ट सो फास्ट जा सकता है। जो अभी बाबा अभी भी बाबा कहते आए हैं, लास्ट आए हैं, वो भी फास्ट जा सकते हैं। तो अभी भी परिवर्तन की मार्जिन है, अभी 2 लेट का बोर्ड नहीं लगा है। तो ये 78 की मुरली है, बाबा तब कह रहे हैं कि उस समय 2 लेट का बोर्ड नहीं लगा था। तो गुप्त पुरुषार्थी दिन रात एक दृढ़ संकल्प के पुरुषार्थी हाई जंप लगा सकते हैं। तो बाबा कहते जो गुप्त पुरुषार्थी है वो दिन रात एक ही दृढ़ संकल्प रहेगा उनको कि पुरुषार्थ करके हाई जंप कैसे लगाएं। तो इसलिए फिर भी अपना भाग्य को सदा नंबर 1 बनाने के पुरुषार्थ की लॉटरी डालो तो नंबर निकल आएगा। तो ये भी बाबा कहते लॉटरी है, कौन सी लॉटरी है? पुरुषार्थ की लॉटरी है, नंबर डालो तो निकल आएगा। तो फिर बाबा कहते समझा क्या करना है, लास्ट चांस है इसलिए बीती सो बीती करो। तो अभी बाबा कहते चांस लास्ट है, जो भी बीत गया वो बीत गया, बीती को बीती करो और भविष्य को श्रेष्ठ बनाओ। जो बीत गया सो बीत गया, जो आने वाला कल है उसको श्रेष्ठ बनाना है, भविष्य को। तो इसलिए बाप दादा फिर भी सबको चांस दे रहे हैं, फिर उलाना नहीं देना। तो बाबा सबको चांस दे रहे हैं ताकि, बाबा कहते फिर उलाना नहीं देना बाप को कि हम कर सकते थे लेकिन या नहीं, इसलिए बाबा कहते अब चांस है। तो जो करना चाहते हो कर सकते हो। तो समय नहीं मिला, सरकमस्टांसेस नहीं थे, अभी भी रहम दिल बाप के, रहम का हाथ सबके ऊपर है। तो फिर बाबा कहते बाद में जैसे बहाना बहाना लगाएंगे, समय नहीं था, सरकमस्टांसेस ऐसे थे इसलिए कुछ कर नहीं पाए। तो बाबा ने कहा अभी क्या है बाबा, रहम दिल है, रहम का हाथ बच्चों के सिर के ऊपर है, इसलिए अपने ऊपर भी रहम दिल बनो। तो ये कहकर बाबा ने कहा अच्छा, ऐसे सदा बाप के वरदानों के हाथ अपने ऊपर अनुभव करने वाले, सदा अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम दिल, अटूट अखंड निश्चय बुद्धि, अखंड योगी, सदा विजय के तिलकधारी, जन्मते ही ताजधारी, ऐसे सदा तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो ये थी बाबा के व्यक्त महावाक्य। तो आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं। तो आज की मुरली की डेट है 5th अगस्त 2024। प्रत्यय मुरली, ओम शांति, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारे में ऑनेस्ट वह है जो सारे यूनिवर्स यूनिवर्स की सेवा करे, बहुतों को आपसमान बनाए, आराम पसंद ना हो। तो बाबा कहते कौन बच्चे ऑनेस्ट हैं जो सारे विश्व की सेवा करे, सारे यूनिवर्स की सेवा करे और बहुतों को आपसमान बनाए। और फिर बाबा ने कहा आराम पसंद ना हो। तो आज का प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी
बोल नहीं सकते हो। तो कौन से बोल है जो ब्राह्मण बच्चे नहीं बोल सकते? तो बाबा ने उत्तर दिया, तुम ब्राह्मण ऐसे कभी भी कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं। हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं। तो बाबा ने कहा, बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं सकते। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वह शूद्र ठहरे। तो ब्राह्मण क्या है? ब्रह्मा मुख वंशावली है। बाबा कहते जो नहीं है वो शूद्र ठहरे। तो कभी भी देवता नहीं बन सकते। कौन नहीं बन सकते? जो शूद्र होंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं दादा के द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा। बच्चे म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हैं, परंतु उद्घाटन तो बेहद के बाप ने कब से कर लिया है? तो बाबा ने तो शुरू से उद्घाटन कर दिया है। तो अब ये शाखाएं अथवा ब्रांचेस निकलती रहती है। पाठशालाएं बहुत चाहिए ना? तो बाबा के सेंटर, तो एक तो यह है पाठशाला जिसमें बाप रहते हैं, इसका नाम रखा है मधुबन। तो बच्चे जानते हैं मधुबन में सदैव मुरली बजती रहती है। किसकी? तो बाबा पूछ रहे हैं किसकी मुरली चलती है? भगवान की। अब भगवान तो है निराकार, तो बाबा अपना परिचय देते हैं कि मैं निराकार हूँ। तो मुरली बजाते हैं साकार रथ द्वारा। उनका नाम रखा है भाग्यशाली रथ, ब्रह्मा बाबा का। तो यह तो कोई भी समझ सकते हैं, इसमें बाप प्रवेश करते हैं, यह तो तुम बच्चे ही समझते हो। और तो कोई ना रचना को, ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो बाबा कहे, तुम बच्चे समझते हो कि बाप किस में प्रवेश करते हैं। और तो बाबा कहते, जो और हैं वो ना रचता को ना रचना को जानते हैं, और ना ही आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ बड़े बड़े आदमी गवर्नर आदि हैं, तो उनसे उद्घाटन कराते हैं। तो ये भी बाबा हमेशा लिखते रहते हैं कि जिसने उद्घाटन कि जिस जिनसे उद्घाटन कराते हो उनको पहले परिचय देना है। बाप कैसे नई दुनिया स्थापन करते हैं? तो बाबा कहते सबसे पहले परिचय देना है बाबा का, कि बाबा कैसे नई दुनिया स्थापन करते हैं। उनकी ये ब्रांचेस खुल रही है। तो बाबा के सेंटर जो खुलते हैं, तो जब उद्घाटन कराते हो तब बाबा कहते ऐसे बता सकते हो। तो कोई ना कोई से खुलवाते हैं ताकि उनका कल्याण हो जाए। कुछ समझे कि बरोबर बाप आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है, तो विश्व में शांति के राज्य की व आदि सनातन देवी देवता धर्म की। तो उसका उद्घाटन तो हो चुका है, अभी यह ब्रांचेस खुल रही है, जैसे कि बैंक में ब्रांचेस खुलती जाती है। तो बाप को ही आकर नॉलेज देनी है। तो यह नॉलेज परम पिता परमात्मा में ही रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि बाबा नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। तो रूहानी बाप में ही रूहानी ज्ञान है
जो आकर रूहों को देते हैं, समझाते हैं, हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा नाम तो कॉमन है, तो आत्मा तो सभी जानते हैं, जैसे कहते हैं आत्मा, आत्मा कह देते हैं, तो महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है। तो आत्मा की भी अलग अलग वैरायटी है, कोई महान आत्मा, कोई पुण्य आत्मा कह देते हैं, कोई पाप आत्मा कह देते हैं। तो आत्मा को परम पिता परमात्मा बाप भी समझा रहे हैं। तो बाप क्यों आएंगे? जरूर बच्चों को वर्षा देने के लिए, इसलिए बाबा को आना पड़ता है, बच्चों को वर्षा देने के लिए। फिर सतो प्रधान नई दुनिया में आना है, तो जब बच्चों को वर्षा मिल जाएगा तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर सतो प्रधान नई दुनिया में आएंगे। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहा जाता है, नई अथवा पुरानी दुनिया मनुष्यों की ही है, क्योंकि पुरानी दुनिया भी में भी मनुष्य रहते हैं, तो बाबा कहते हैं नई में भी। तो बाप कहते हैं मैं आया हूं नई दुनिया रचने, बिगर मनुष्यों के तो दुनिया होती नहीं। तो नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जिसकी अब फिर से स्थापना हो रही है। अभी तुम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाने आया हूं। तुम यह सुना सकते हो कि बाप ऐसे समझाते हैं, तुम नई दुनिया में कैसे जा सकते हो? अभी तो तुम्हारी आत्मा पतित विकारी है, तो अब निर्विकारी बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। तो पाप कब से शुरू होते हैं? फिर बाबा पूछते हैं पाप करना कब से शुरू करते हैं? तो बाप कितने वर्षों के लिए पुण्य आत्मा बनाते हैं, यह भी तुम बच्चे अभी जानते हो। तो 21 जन्म तुम पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। और सतयुग त्रेता तक बाबा कहते 21 जन्म, सतयुग त्रेता 20 जन्म पुण्य आत्मा रहते हो, उसके बाद फिर जैसे द्वापर में आते हो फिर पाप आत्मा बनने लग जाते हैं। तो यहाँ पाप होता है, वहां दुख ही होगा। तो जितना पाप करेंगे वहां दुख तो होगा ही। तो पाप कौन से हैं, वह भी बाप बतलाते हैं। एक तो तुम धर्म की ग्लानि करते हो, तो ये भी पाप है। कितने तुम पतित बन गए हो, तो पाप कर कर करके पतित बन जाते हैं। तो फिर बाबा को, बाबा कहते मुझे बुलाते आए हो। क्या कहते बाबा को जब बुलाते थे कि हे पतित पावन आओ, सो अब बाबा कहते मैं आया हूं। क्यों बाबा आए हैं? पावन बनाने वाले बाप को तुम गाली देते हैं, गलानी करते हो, इसलिए तुम पाप आत्मा बन पड़े हो। तो जो बाप बच्चों को पावन बनाने वाला है, उसी को बाबा कहते बच्चे गाली देते हैं, इसलिए पाप आत्मा बन पड़े हैं। कहते भी हैं प्रभु, हे प्रभु, जन्म जन्मांतर का पापी हूं, आकर पावन बनाओ। तो बाप समझाते हैं कि जिसने सबसे जास्ती जन्म लिए हैं, उनके ही बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं। बाबा बहुत जन्म किसको कहते?
बच्चे 84 जन्म, बच्चे 84 जन्मों को, जो पहले पहले आए हैं वही 84 जन्म लेते हैं। पहले तो यही लक्ष्मी नारायण आते हैं, यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने के लिए। तो कथा भी सत्यनारायण की सुनाते हैं। कब राम सीता बनने की कथा सुनाई है किसी ने? तो सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, ना कि राम सीता की। उसकी गलानी की हुई है, तो बाप बनाते ही हैं नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, जिनकी कभी कोई निंदा नहीं करते। तो बाप कहते हैं, मैं राजयोग सिखलाता हूँ, विष्णु के दो रूप यह लक्ष्मी नारायण है। छोटेपन में राधे कृष्ण है, यह कोई भाई बहन नहीं है, अलग अलग राजाओं के बच्चे थे। तो बाबा कहते, पहले राधे कृष्ण छोटेपन में थे, उसके बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो छोटेपन में राधे कृष्ण थे, तो बाबा कहते ये को भाई बहन नहीं थे, क्योंकि ये अलग अलग राजाओं के बच्चे थे। तो वह महाराजा महाराजा महाराज कुमार व महाराज कुमारी, जिनको स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। तो राधे कृष्ण के बाद जब स्वयंवर होता है, फिर बाबा कहते लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। तो ये सब बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। कल्प पहले यह सब बातें जिनकी बुद्धि में बैठी होंगी, उनकी ही बुद्धि में बैठेंगी। इन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि सबके मंदिर हैं, विष्णु का भी मंदिर है, जिनको नर नारायण का मंदिर कहते हैं। और फिर लक्ष्मी नारायण का अलग अलग मंदिर भी है, तो ब्रह्मा का भी मंदिर है, ब्रह्मा देवता नमः, फिर कहते शिव परमात्मा है नमः। वह तो अलग हो गया ना, तो देवताओं को कभी भगवान थोड़ी कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं, पहले जिससे जिससे उद्घाटन कराना है उनको समझाना है। विश्व में शांति स्थापन अर्थ भगवान ने फाउंडेशन लगा दिया है। तो बाबा कहते पहले उद्घाटन के पहले उनको ये समझाना है कि विश्व में शांति स्थापन अर्थ भगवान ने फाउंडेशन लगा दिया है। तो विश्व में शांति लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी ना, यह सतयुग के मालिक थे ना। तो मनुष्य को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की यह बड़ी बड़ी गॉडली यूनिवर्सिटी है, अथवा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय तो बहुत बहुतों ने नाम रखे हैं, तो वास्तव में वह कोई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है नहीं, वो तो जैसे नाम रखे हुए हैं। बाबा कहते ऐसा नहीं कि वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्स तो सारी विश्व हो गई, सारे विश्व में वेद का बाप एक ही कॉलेज खोलते हैं। तुम जानते हो विश्व में पावन बनने की विश्वविद्यालय केवल यह एक ही है। कौन सी है? ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो बाप स्थापन करते हैं। हम सारे विश्व को शांति धाम सुख धाम में सुख धाम ले जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो ईश्वर आकर सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का
वर्षा देते हैं। तो कहाँ की बात कहाँ, सॉरी कहाँ बाप की बात कहाँ, ये सब कहते रहते हैं यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्स अर्थात सारी दुनिया को चेंज करना, यह तो बाप का ही काम है। तो सारे विश्व को, सारी दुनिया को चेंज करना, तो बाबा कहते ये सिर्फ बाप का काम है। हमको यह नाम रखने नहीं देते और गवर्नमेंट खुद रखती है। यह तो तुमको समझाना है। वह भी पहले तो नहीं समझाएंगे, बोलो हमारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। इनका ब्रह्मा नाम ही तब पड़ा है जब बाप ने आकर रथ बनाया है। तो प्रजापिता नाम तो मशहूर है ना, वह कहाँ से, वह आया कहाँ से, उनके बाप का नाम क्या है? ब्रह्मा को देवता दिखाते हैं ना, तो देवताओं का बाप तो जरूर परमात्मा ही होगा। वह है रचता, ब्रह्मा को कहेंगे पहली पहली रचना। क्यों क्यों पहली रचना है? क्योंकि बाबा ने पहले ब्रह्मा बाबा को रचा। उनका बाप है शिव बाबा। वह कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनकी पहचान तुमको देता हूं। तो बच्चों को समझाना है यह ईश्वरीय म्यूजियम है। तो बाप कहते हैं मुझे बुलाया ही है पतित पावन, आओ आकर पतित से पावन बनाओ। अब हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। मन मना भव, ये अक्षर तो गीता के ही हैं, क्योंकि भगवान एक ही ज्ञान सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पतित पावन हो ना सके, वह पतित दुनिया में आ ना सके। तो पतित दुनिया में पतित पावन बाप ही आएंगे। तो पतितों को पावन बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है, इसलिए बाबा को कहते हैं ना पतित पावन। तो अब मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। तो बाबा कहते कितनी सहज बात है, भगवानो वाच अक्षर जरूर कहना है। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं काम विकार महाशत्रु है। पहले निर्विकारी दुनिया थी, अब विकारी दुनिया है। तो विकारी होने के कारण बाबा कहते दुख ही दुख है, निर्विकारी होंगे तो फिर सुख ही सुख होगा। तो कोई विकार नहीं होगा तो सुख ही सुख होगा। तो यह समझाना है, भगवानुवाच काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। एक बाप को याद करो, हम भी उनको याद करते हैं। जैसे कोई कॉलेज खुलता है तो उसका भी उद्घाटन कराते हैं ना, तो यह भी कॉलेज है। ढेर सेंटर्स हैं, सेंटर्स में टीचर्स टीचर्स मुकर्रर है। टीचर्स को भी ख्याल जरूर रखना चाहिए। बाबा नए नए सेंटर्स पर अच्छी अच्छी ब्राह्मणियों को रखते हैं, इसलिए कि जल्दी जल्दी बाप समान बनाकर फिर औरों बाप समान बनाकर फिर औरों को फिर और सेंटर्स पर भागना चाहिए सर्विस को उठाने के लिए। तो बाबा कहते हैं देखेंगे कौन कौन ठीक रीति मुरली पढ़कर सुना सकते हैं,
समझा सकते हैं, तो उनको कहेंगे अब तुम यहाँ बैठ क्लास चलाओ। ऐसी ट्रायल कराकर उनको बिठाकर चला चला जाना चाहिए और जगह सेंटर जमाने। तो ब्राह्मणियों का काम है एक सेंटर जमाया, फिर जाकर और सेंटर जमाए। एक एक टीचर चाहिए, बहुत सर्विस करनी चाहिए। दुकान खोलते जाएं, आप सामान बनाकर कोई को छोड़ते जाएं। दिल में आना चाहिए कोई को आप सामान बनाकर तैयार करूं तो और सेंटर खुले, परंतु ऐसे ऑनेस्ट कोई बिरले रहते हैं। ऑनेस्ट उनको कहा जाता है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। तो बाबा कहते किसको ऑनेस्ट कहा जाता है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करते हैं। एक सेंटर खोला, आप सामान बनाया, फिर दूसरे स्थान पर सेवा की। एक ही स्थान पर अटक नहीं जाना चाहिए। अच्छा, किसको समझा नहीं सकते तो और काम करो, उसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं तो बड़े घर की हूँ, यह काम कैसे करूं, हमको दर्द होगा, थोड़ा भी काम करने से हड्डी दुखेगी। इसको कहा, इसको देह अभिमान कहा जाता है। तो कुछ भी समझते नहीं, औरों की सर्विस करनी चाहिए ना, जो फिर वह भी लिखे कि बाबा फलाने ने हमको समझाया, हमारी जीवन बना दी। सर्विस का सबूत मिलना चाहिए, एक एक टीचर बनना चाहिए। फिर खुद ही लिखे, बाबा हमारे पिछाड़ी ढेर संभालने वाले हैं, हमने बहुत बहुत आप सामान बनाए हैं, हम सेंटर्स खोलते जाएं। ऐसे बच्चों को कहेंगे फूल। सर्विस ही नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे? फूलों का बगीचा है ना, तो उद्घाटन करने वालों को भी समझाना चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शूद्र से ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। बाप इस ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल की स्थापना करते हैं। तो इस समय तो सब शूद्र वर्ण के हैं, सतयुग में देवता वर्ण के थे, फिर क्षत्रिय वैश्य वर्ण के बने। तो बाबा जानते हैं कितनी पॉइंट्स बच्चे भूल जाते हैं। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद, ब्रह्मा कहाँ से आए? यह ब्रह्मा बैठा है ना, अच्छी रीति समझाना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? ब्राह्मणों की। फिर उनको शिक्षा दे, देवता बनाते हैं। हम बाप से पढ़ रहे हैं, उन्होंने भगवान वाच तो लिख दिया है अर्जुन प्रति। अब अर्जुन कौन था? तो बाबा कहते किसको पता नहीं, तुम जानते हो हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं। अगर कोई कहते हम तो शिव के बच्चे हैं, ब्रह्मा से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, नहीं तो फिर देवता वह कैसे बनेंगे? तो ब्रह्मा के थ्रू ही बनेंगे। तो शिव बाबा ने तुमको कैसे, किस द्वारा कहा मुझे याद करो? तो ये तो बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहा ना। तो ब्रह्मा द्वारा कहा ना, प्रजापिता ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। हाँ, ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर ब्रह्मा याद आएगा। शिव बाबा ब्रह्मा ब्रह्मा तन से पराते हैं, ब्रह्मा बाबा है बीच में। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बन सकेंगे? मैं जिस रथ में आता हूँ उनको भी जानना चाहिए। ब्राह्मण बनना चाहिए, ब्रह्मा को बाबा नहीं कहें तो बच्चा भी कैसे
कैसे ठहरा? ब्राह्मण अपने को नहीं समझते तो गोया शूद्र है, शूद्र से फट देवता बने, देवता बने वह कहते मुश्किल है। ब्राह्मण बन शिव बाबा को याद करने बिगर देवता बन कैसे सकेंगे? इसमें मूझने की भी दरकार नहीं। तो उद्घाटन करने वालों को भी समझाना है कि बाप द्वारा उद्घाटन हो चुका है। आपको भी बताते हैं कि सिर्फ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तो बाबा कहते जो उद्घाटन करने वाले आएंगे उनको भी कहो कि सिर्फ बाप को याद करेंगे तो तब पाप कट जाएंगे। वह बाप ही पतित पावन है, फिर तुम पावन बन देवता बन जाएंगे। बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हैं, बोलो हम बाप का पैगाम देते हैं। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी, हम पैगाम देकर जाते हैं। और कोई भी रीति से पावन होना ही नहीं है। जब फुर्सत मिले सर्विस करो, समय तो बहुत मिलता है सर्विस के लिए। तो बाबा कहते जब फुर्सत मिले तब सर्विस करो। अच्छा, मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति, माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, तो फर्स्ट पॉइंट है आज का, नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है और सेंटर्स खोलते जाना है। तो जैसे बाबा ने कहा ना ब्रांचेस खोलनी है, तो बाबा कहते सेंटर्स खोलते जाना है, एक जगह पर बैठना नहीं है। सेकंड पॉइंट है फूलों का बगीचा तैयार करना है और हर एक को फूल बना बनकर दूसरों को आप समान फूल बनाना है। तो बाबा कहते पहले खुद फूल बनना है, फिर दूसरों को आप समान बनाना है। किसी भी सेवा में देह अभिमान ना आए, तो आज का बाबा का वरदान है सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्म इंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आस्तिक का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। अगर बाबा कहते कोई भी पदार्थ कर्म इंद्रियों को विचलित करता है तो फिर न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है, तो जितनी अच्छा इच्छाएं होंगी तो बाबा कहते वो आसक्तियों का रूप है। तो कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। तो ये चेकिंग करनी है कि जो ये जो कुछ कोई भी पदार्थ हो अल्पकाल के सुख साधन है वो हमें आकर्षित तो नहीं करते हैं। तो यह पदार्थ प्रकृति के साधन है, जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। तो बाबा कहते
जो भी साधन है, प्रकृति के साधन है, कोई भी पदार्थ है, तो इनसे अनासक्त बनना है। तो बाबा कहते जब न्यारे बनेंगे तब फिर प्रकृति चित बनेंगे। स्लोगन, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। ओम शांति। ये थे बाबा के साकार महावाक्य। तो आज के बाबा के अव्यक्त इशारे हैं, विजय रत्न बनना है तो प्रीत बुद्धि बनो। प्रीत बुद्धि वालों के मुख से, उनके दिल से सदैव यही बोल निकलेंगे। कौन से बोल निकलेंगे? जिनकी प्रीत बुद्धि होगी, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से बोलूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं, तुम ही से सर्व प्रीत करूं। तो ये निशानी है प्रीत बुद्धि वालों की। तो फिर बाबा कहते उनके नैन, उनका मुखड़ा ना बोलते हुए भी बोलता है। तो चेक करो, ऐसे विनाश काले प्रीत बुद्धि बने हैं, अर्थात एक की ही लगन में एक रस स्थिति वाले बने हैं। तो बाबा कहते ये चेक करना है, एक तो कि विनाश काले प्रीत बुद्धि बने हैं, और फिर एक की लगन में एक ही लगन में एक रस स्थिति वाले बने हैं, तो ये चेक करना है। ओम शांति। तो ये थे बाबा के अव्यक्त इशारे। तो अभी 1 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।